हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरल सी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये केवल एक फंदे की डिज़ाइन है जो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। ये छोटी छोटी उभरी हुई डिज़ाइन है, इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में आसानी से डाल सकती हैं। ये डिज़ाइन सेल्फ मेड डिज़ाइन की तरह है। इस डिज़ाइन को आप जैकेट में डाल सकती हैं, कार्डिगन में डाल सकती हैं, स्वेटर में डाल सकती हैं, हाफ आस्तीन स्वेटर में डाल सकती हैं, बच्चों की फ्रॉक में, बच्चों की कैप में, किसी में भी डाल सकती हैं। जिस किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में आप ये डिज़ाइन डालेंगी वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी। इस डिज़ाइन में जो फंदे आप डालेंगी वो अपने अनुसार डाल सकती हैं, क्योंकि ये एक फंदे की डिज़ाइन है, तो आप जितने चाहें उतने फंदे डाल सकती हैं और बॉर्डर के बाद राइट साइड से डिज़ाइन बनाना शुरू कर सकती हैं। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। डिज़ाइन की फर्स्ट रो में सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएँ, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आए, इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग पसंद आए, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन की सेकंड रो जो कि बैक साइड से है, पूरी रो हम उल्टे उल्टे फंदों से बनाएंगे। पूरी रो के फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, इसे बिगनर्स आसानी से बना सकते हैं। ये हमारी सेकंड रो बैक साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हम डिज़ाइन की थर्ड रो पर हैं। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद उनको अपनी तरफ आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। थर्ड रो में एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे अपनी तरफ ऊन आगे करके, और ऊन को पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। थर्ड रो में ऊन को आगे करके अपनी तरफ एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर उनको आगे अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और उनको पीछे की ओर करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। पूरी रो हमें एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा इस तरह से करते हुए बनानी है। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम डिज़ाइन की थर्ड रो पर हैं। जो डिज़ाइन की मेन रो है, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, ये फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, तो इस फंदे को इस तरह से हम सीधा नहीं बुनेंगे। इसके एक फंदा नीचे जो फूल है यहाँ पर सिलाई डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, और इस ये जो फंदा है इसको हम स्लिप कर देंगे, फिर उनको अपनी तरफ आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, उनको पीछे करेंगे, ये एक फंदा है, इसके एक फंदा नीचे जो होल है यहाँ पर सिलाई डाल करके एक फंदा सीधा बुन लेंगे और इस फंदे को स्लिप कर देंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। उल्टे वाले फंदे को जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनना है, और उसका उनको पीछे करके जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है उसे फंदे से नहीं, फंदे के नीचे जो होल है वहाँ पर सिलाई डाल करके एक सीधा फंदा बुनना है। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। उनको अपनी तरफ आगे करके एक फंदा उल्टा बुनना है, उनको पीछे करके जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसके नीचे जो होल है वहाँ पर सिलाई डाल करके एक फंदा बुनना है और इस फंदे को स्लिप कर देना है। फिर से देखिए, उनको अपनी तरफ आगे करके एक उल्टा फंदा बुनना है, उनको पीछे ले जा करके ये जो फंदा है सीधा इसके नीचे जो होल दिखाई दे रहा है वहाँ पर सिलाई डाल करके एक फंदा बनाना है और इस फंदे को स्लिप कर देना है। पूरी रो हमें एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा जो कि हम फंदे के नीचे के होल से सीधा बुन करके बनाएंगे, इस तरह से बनानी है। ये हमारी फोर्थ रो जो कि बैक साइड से है कंप्लीट हो गई है, और हमारी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई है।
ये पीछे से देखने में डिजाइन इस तरह से दिखाई देगी और आगे से देखने पर ये डिजाइन इस तरह से उभरी उभरी दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, ये आपको एक फंदे की डिजाइन कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये डिजाइन बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई डिजाइन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।